हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज जो है ना, मैं अभी रात से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30 समथिंग, हाँ 8:28 हो गए हैं। और मैं जस्ट अभी शार लेके आई हूँ। थोड़ा सा जो है ना, मुंह पे टोनर वगैरह लगा दिया अभी बाल बनाने की, क्योंकि आज बहुत हड़बड़ाहट हो गई है। आज मैं बताती हूँ, आज हम लोगों के घर में गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट मतलब मम्मी आ रहे हैं, भाई और उनके कोई फ्रेंड, उनकी बेटी वगैरह कुछ आ रहे हैं कोई लोग। वो आने के बाद मैं दिखाई दूंगी कौन कौन आ रहे हैं। तो मायके से जब भी कोई आता है ना, तो बहुत अच्छी खुशी और एक एनर्जी जो है ना, अलग सी लेवल की एनर्जी जो है अंदर में आ जाती है। तो वही फिलहाल मेरे साथ चल रहा है। मैंने ब्लॉग शूट करने की बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया। वैसे वो लोग आधा एक घंटा लेट है, वरना अभी तक वो पहुँच चुके होते। आधा एक घंटा लेट है, उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो लोग बीच में रुक गए थे। तो बस अभी आते ही होंगे वो थोड़ी देर में। अभी फ़ोन आया था उन लोगों का, वो 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। रेसिपी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी। और ढेर सारे देखो बर्तन भी मेरे घिसने के थे, तो मैंने वो भी घिसा है। अभी भी फिर भी एक दो बचे ही हैं। सब कुछ मेरा क्लीन वीन, पूरे घर के काम दिया बाती सब कुछ हो गया है। तो चलो खाना दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। भाई का फास्ट है, ट्यूसडे है, तो इसलिए मीठा बनाया है। तो मैंने यहाँ पे रवे का शीरा बनाया है मीठे में। यहाँ पे रोटियाँ है, यहाँ पे भी आफ्टरनून की लेफ्ट ओवर रोटियाँ है, दाल है उसके बाद में, और फिर यहाँ पे मैंने बनाया है पनीर, एकदम तर्री वाला शाही पनीर जो होता है ना, ग्रेवी वाला, वो बनाया है। उसके बाद में यहाँ पे है राइस। उसके बाद में मैंने बनाया है बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है। जैसा लग रहा था ना, पता नहीं किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है। देखो पसीने इतने आ रहे हैं, तो बहुत गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे। इतने गर्मी में मैंने इतना सारा खाना बनाया है, मतलब दिख तो नहीं रहा है वो, लेकिन क्वांटिटी बहुत है। 8 लोगों का खाना बनाया है। वो लोग 4 लोग आ रहे हैं, हम लोग 9 लोगों का, वो 4 आ रहे हैं, हम लोग 4, 8 हो गए, और एक जो टिफिन जाता है वो, मतलब से 9 लोगों का खाना मैंने बनाया है। बहुत गर्मी हो रही है, मैं भी थोड़ी देर बाहर रुकूंगी। शाम में जो मैंने कपड़े डाले, कपड़े जो होते हैं ना निकालने के, मैंने वो भी नहीं निकाले, वो भी निकाल दिए। और बच्चे जो है ना गए हुए थे थोड़ा सा मार्केट में। उस दिन हम लोग जब एनिवर्सरी वाला गिफ्ट लाने गए थे ना गोल्ड शॉप पे, तो वहीं पर जो है ना हस्बैंड को याद आ गया कि मेरी पायल जो है ना वो ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने वाइब्रेट करने के लिए डाली थी, मतलब एक तरीके से साफ़ होता है एक तरीके से वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट वाला जो है ना उससे एकदम नई जैसी चमक जाती है। तो हम लोगों ने वही कराया था, तो लाते से ही उन्होंने पहना दिया कि लो पहन लो। और जब तक पायल पहन रही थी मैं, तब तक मम्मी जो है ना आ गई थी। देखो यहाँ पे गाड़ी जस्ट अभी आके रुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। एंड उसके बाद में आए, सब लोगों ने हाथ मुंह वगैरह धोया, और बहुत लेट हो गया था रात में। तो सबसे पहले मैंने जो है ना खाना परोस दिया, तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना लगाने के लिए। तो विवेक भी कहते कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि आइटम्स ज़्यादा बनाए हुए थे मैंने, तो निकालते निकालते टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। वैसे तो सब कुछ रेडी था, बस सर्व ही करना था। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड और मैं मिलके जो है ना पूरा खाना सर्व कर रहे हैं। और मैं वही सोच रही थी कि मतलब पूरे मतलब सब जन साथ बैठने से अच्छा जितने लोग मेहमान आए हैं उन लोगों को खिलाते हैं, उसके बाद में विवेक और मैं जो है ना हम लोग खा लेंगे। बट मेहमान जो है ना फिर फोर्स कर रहे थे, तो फिर विवेक ने भी उन लोगों के साथ ही मैं जो है ना खाना खा लिया था। खाना वगैरह होने के बाद में जो है ना भाई और उनके फ्रेंड वगैरह जितने भी लोग आए थे, उनकी बेटी वगैरह, तो वो सब चले गए थे। एंड मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया क्योंकि उनको ही नए लोग आते हैं अच्छा नहीं लगता है शूट करने के लिए, और वही दिखाओ कि नहीं मैं ब्लॉग बना रही हूँ आपको, जल्दी ज़बरदस्ती आपको आना है।
इस तरीके से। तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, वो लोग जाने के बाद में मम्मी और मैं काफ़ी टाइम तक बातें कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे जो है ना सोने के लिए चले गए हैं, और यहाँ पे मम्मी से मैं जो है ना तेल की मालिश करा रही हूँ। मुझे खुद से अपने बालों में तेल लगाते नहीं आता, या तो हस्बैंड लगा देते हैं, तो मम्मी जब भी आती है ना तो फिर मम्मी ही जो है ना तेल की मालिश करके देती है। तो बस यहाँ पे मम्मी तेल की मालिश कर दे रही थी। उसके बाद में ये नेक्स्ट डे है, मैंने फ्राइड राइस बनाया था, और जो मेरे पास दाल बची हुई थी ना वो दाल के जो है मैंने पराठे बनाए थे सबके लिए। पराठे यानी कि हम लोग इसको मराठी में धापोड़े कहते हैं, इसको हाथ तवे पे जो है ना हाथ से बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हम लोगों ने ये बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद में मैंने ये सारे कंटेनर धोए थे, तो बस उसी को पोंछ के जो है ना उसमें सारी चीज़ें जो है वो डाल के रख दे रही हूँ। क्योंकि जो है ना घर में डिब्बे अगर खाली दिखे ना रैक में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डब्बे अगर भरे भरे दिखते हैं ना तो मुझे मतलब एक दिल में सुकून आता है, और किचन में भी अच्छा लगता है, काम करने का भी मन होता है कि ऐसा लगता है ना कि सब कुछ भरा भरा सा है। तो एनिवर्सरी वाले दिन ही जो है ना हस्बैंड ने मुझे सारी चीज़ें तो ला के दे दी थी, बट हम लोग जो है ना मेरे डब्बे ख़राब हो रखे थे तो मैं इसको सब डब्बे में डाल नहीं पाई। तो फिर फाइनली आज मैंने ये सारे घिस के साफ़ करके सुखा उखा लिए थे, और पोंछ के जो है ना अभी मैं इसमें डाल के जो है वो रख ले रही हूँ। और हम लोगों की यहाँ पे जो है ना अभी स्कूल चालू होने की है, आप लोग यहाँ पे स्कूल चालू होगी क्या बताइएगा। हम लोग के यहाँ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट स्कूल्स जो है ना अभी तक स्टार्ट नहीं हुए बच्चों की, एंड बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होने की है। तो ये सारी चीज़ें होगी तब मैं वो भी ब्लॉग बनाऊंगी, बट सोच रही हूँ पहले इन ब्लॉग को एडिट करके फटाफट से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं ये ब्लॉग। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो है ना हम लोगों ने टीवी जो है ना वो हम लोगों ने हमारी चालू कर ली है। पहले टीवी टेबल पर रखी थी, बट टप्पू खींच के दो तीन बार उसने गिरा दिया था, तो थोड़ा डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो हम लोगों ने अभी इसको जो है ना ऊपर ड्रिल करवा दी थी दिवाली में, तो तब से ये बंद ही है। तो अभी हम लोगों ने इसकी वायरिंग वगैरह करा दी है, तो ये वायरिंग जो है ना हम लोग छोटे वाले बीट्स से यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो ये हस्बैंड से जो है ना छोटे वाले वो बीट्स लगाते नहीं जम रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं हेल्प करा देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड देते जा रहे हैं, हम लोग हंसी मजाक करते करते जो है ना ये कर रहे हैं, तो हस्बैंड दे रहे हैं और मैं जो हूँ ना वो लगाते जा रही हूँ। ये मुझे पता था कैसे लगाना है इस वजह से। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।